जौनपुर जनपद में कुल 9 सीटें हैं विधानसभा की, 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 1 सीट कांग्रेस के पास, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस लिहाज से गठबंधन के पास 8 सीटें हैं। तो अगर ठीक से देखा जाए तो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा साख गठबंधन की लगी हुई है। और हमारे साथ गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। मुझे आप ये बताइए, कैसे लोगों को आप भरोसा दिला पाएंगे कि आप उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं जौनपुर सदर में, चूँकि अभी भी तमाम समस्याएं सदर में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ठीक है, पहली बात, आपने एक सवाल अभी किया था कि जाति यहां हावी होती है, इसका मिथक तोड़ने का काम 2012 में सम्मानित मतदाताओं ने किया था और सदर से नदीम जावेद को 30,000 से ज़्यादा नगर के लोगों ने वोट देकर के, हर जाति के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों ने वोट देकर के ये सिद्ध कर दिया कि जनपद जौनपुर ऐसी चीज़ों पर अपना विश्वास नहीं व्यक्त करता। क्यों भाई साहब, पहले तो एक कांग्रेस ही आपके लिए मुसीबत थी, अब तो समाजवादी पार्टी भी जुड़ गई, बीजेपी कैसे पार पाएगी उनसे, चूँकि अब तो ताकत बढ़ गई है ना। अब तो ये दोनों कमजोर हुए हैं तब आपस में मिले हैं। जनता देख रहा है कि उन्हें कहां तक विकसित किया गया है, रोड हमारे खाई के जैसे बन गया है, लाइट तो सुविधा किसी को मिल ही नहीं रहा है। गरीब तो कभी आज तक लाइट की बात ही छोड़ दीजिए, वो अभी अपने कभी भी अपने घर में सुविधा नहीं पाए कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। लालटेन लाते हैं तो लालटेन में कभी उनको तेल नहीं मिलता है। इंदु जी, क्या हुआ, इतने मंत्री थे तो क्या हुआ, उद्योग व्यापार के लिए कुछ हुआ क्या, इतने मंत्री थे आप क्या? यहाँ इतने मंत्री केवल थे, बत्ती के लिए थे, हूटर के लिए थे, यहाँ के विकास के लिए कोई मंत्री नहीं था। जौनपुर का विकास नहीं हुआ, जौनपुर का विनाश हुआ। यहाँ से होम्योपैथिक कॉलेज चला गया, यहाँ से शुगर मिल चली गई, यहाँ कताई मिल चली गई। हकीकत तो ये है कि पता नहीं किस विकास की बात करते हैं, वो फटे कुर्ते से राहुल बाबा के निकले हुए हाथ के विकास की बात करते हैं,